वेलकम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू एस्केप अ रियर नेकेड चोक। पीछे से आके अगर ऐसा कोई पकड़ ले तो उसे लोगों ने बात का पतंगड़ बना रखा है। पकड़ो, बहुत सिंपल है। यस, पूरा टाइट से पकड़ना। यस, ओके, आराम से पूरा इधर से टाइट ले लो। टाइट, वेरी सिंपल। स्टेप नंबर वन इज, स्टेप नंबर वन, ये हाथ छाती पे मारो। छाती पे, छाती पे जिंदा हूं, कंफर्म कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, देयर इज नो एक्चुअल एस्केप फ्रॉम अ करेक्ट टेक्निक। अगर सही से लगाया है और थोड़ी सी दुश्मनी भी है तो अगर ऐसा होता है तो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम अ रियर नेकेड चोक। बट डस दैट मीन आई काइंड ऑफ क्लिक बेटेड यू? नहीं, एवरीथिंग, देयर इज अ वे आउट ऑफ एवरी सिचुएशन, बट नॉट फ्रॉम अ रियर नेकेड चोक। बट मे बी अगर आपने सिक्स सीखा है, टाइमिंग सही है, तो मे बी देयर इज अ वे। एंड जस्ट लाइक माई वेरी गुड फ्रेंड ब्रूस ली वंस सेड, नो वे इज द वे। लेकिन इट इज अ वेरी डेंजरस टेक्निक। इसके अगेंस्ट एक बार ये ठीक से अप्लाई हो जाती है तो आप अगले जन्म में सीखिएगा, अगले जन्म में ट्राई करिएगा। वेरी केयरफुल, दिस इज अ वेरी डेंजरस टेक्निक, डोंट ट्राई इट होम। सर, इट टेक्स ओनली 4 to 5 seconds फॉर समबडी टू गेट अनकॉन्शियस, या एंड नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स टू बैकअप। बैकअप, राम नाम सत्य है। सो यू विल बी इन द जेल, अदर पर्सन विल gone. You might have seen many videos of how to escape this technique in YouTube. There are many videos. First, let us see what is the correct way of choking. Most of those videos, they're not even choking properly. They don't even know how to apply the technique properly. First, let us see what is the correct technique. ये कैसे apply होता है, choke कैसे करते हैं ठीक से, उसके बाद ही उसका इलाज देखेंगे। पहले बीमारी खड़ी करते हैं। सबसे पहले choke का मतलब होता है हवा बंद हो जाना, और एक होता है strangle, जिससे होता है आपके नसों में से, नेक के साइड में जो नस होती है उससे ब्लड फ्लो वगैरह बंद हो जाना। तो दो तरीके की चीज होती है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से पूरा ही गर्दन एकदम जकड़ जाता है। तो ऐसा सच बोल नहीं सकते कि ब्लड फ्लो रुक रहा है या फिर हवा रुक रही, सभी रुक जाता है, एकदम धक धक बंद हो जाती है। सो एक्चुअली द टेक्निक इज दैट यू हैव टू बी इन लाइन विद दिस पर्सन। बहुत लोग करते हैं एकदम नीचे से और ऊपर उठ के करते हैं, वो गलत है। एकदम सीधा होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। And step number one is you slip your hand under the person and make sure आपका जो elbow है ये बंदे के chin और nose और forehead के एकदम alignment में सीधा आ रहा है। See? Here itself I'm yeah. मतलब वो ऐसा आना चाहिए और इसके बीच में ऐसे ये alignment सीधा होगा। Line with the person's nose and chin and ये एक line में आना चाहिए। तो मतलब ऐसे नहीं होता है, नहीं। It is from here. Then only this part and this part will be choked. Yes. Both sides. Yes. So I am actually blocking this nerve and this nerve. Blood flow जो होता है brain की तरफ जाने वाला वो बंद हो जाएगा, उधर का traffic jam हो जाता है। कैसे? You see your bicep and your forearm over here like this. Now you can see my elbow is correct in line with this person's face. कितना मोटा नाक है। Anyway. यहां से एंड स्टेप टू, इस चीज को टाइट करना। सर, इफ यू वांट यू कुड एक्चुअली ब्रिंग दिस डाउन, राइट? या एंड नाउ द टेक्निक डजंट वर्क। या यस, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज नॉट कॉट। दूसरा हाथ मैं इधर लगाऊंगा और उससे अपना बाइसेप पकड़ूंगा, और क्योंकि मैंने इस हाथ से ऐसे ब्लॉक कर लिया, सी नाउ दिस हैंड इज लॉक, एटलीस्ट
माय ओपोनेंट कैन नॉट फ्री दिस हैंड. सो मतलब ये वाला हाथ उधर से नहीं हटेगा. देखो ये हाथ नीचे को करो, नीचे कर लो, ये हाथ नीचे करो, हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है, राइट. लेकिन अब वो हाथ नहीं आएगा, राइट. लॉक है तो मतलब ऐसा ऐसा. नाउ इस वाले हाथ को पकड़ लिया तो क्या होगा? सो वन टू ट्राई टू कैच दिस हैंड सर. इफ दिस इज टेकन डाउन अगेन द चोक डज नॉट वर्क. सो व्हाट यू हैव टू डू इज वन टू एंड एज यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस पार्ट कम्स बिहाइंड द हेड, हेड के पीछे एंड इट इज ऑलवेज लाइक दिस भाई सर. पूरा दुश्मनी निकाल रहा. सो वेरी सिंपल, ये जो एल्बो का जो पिट सा है वो कहां आएगा? चिन के आगे आएगा. वन कैच बाइसेप एंड ये हाथ से इस हाथ को लॉक कर दिया एंड नाउ दिस वन गोज बिहाइंड द पर्सन नेक लाइक दिस. एक तो ये पिल्लर जैसी गर्दन है ना, ऐसे लोगों पे चोक वैसे लगाया नहीं जा सकता. पतली पतली जिराफ जैसे लोग होते हैं ना, उन पे लगाना जाता बेहतर. ऐसा तो मैं क्या हूं? मे बी हिप्पोपोटामस. वन टू एंड थ्री. ओके, ये बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है. इस हाथ को नीचे लगाने की कोशिश करिए सर, इसको उतारे. यस, ये बहुत आसानी से उतर गया. टूटेगा, ये टूट सकता है, राइट. तो आपको क्या करना है? सॉरी, आपको क्या करना है? इस हाथ को सर के पीछे से छुपा दो. अभी आप ढूंढो ढूंढो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा. तब तक 5-6 सेकंड हो जाएंगे. और हाथ का ऐसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. दिस इज बेटर देन दिस. व्हाई? दिस इज कैन बी अप. ओके, इसको मिल गया, अगर ये हाथ मिल गया तो ये फिर भी हटा सकते हैं. लेकिन जब आप हाथ ऐसे करते हैं कभी, तब भी कर सकते हैं, लेकिन इन दिस पोजिशन ऑल द मसल्स अलाइंड और वो इस मोमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. तो हाथ ऐसा, ये करेक्ट होता है. इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका है इससे बचने का. इससे बेहतर सभी तरीके कलरी पैट में. अच्छा, ओके, बोनस कंटेंट. कलरी पैट में कैसे चोक होता है वो भी देखिए. मुझे करो चोक, मुझे करो. यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट. सो दिस इज कलरी पैट लॉक. ओके ओके, हवा 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 नहीं मिल रही. यू कैन सी चोकिंग, मतलब वो उसका करेक्ट मायने में हवा बंद हो रही है. क्या हुआ? इससे एक साइलेंट किल. हवा आवाज नहीं जा रही. या यू कैन नॉट मेक नॉइस. वी विल दिस लाइक आई वांट टू मेक. ट्राई 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 कम ऑन अगेन. यू मेक नॉइस. ओके, आई विल ट्राई टू से समथिंग. ओके, ज्यादा आवाज नहीं निकल रही. माय सन, आई कैन नॉट. ज्यादा आवाज नहीं निकल रही, फिर भी बहुत कम है. तो मतलब ऐसा हो जाता है. कैसा है? इसमें क्या डिफरेंस है सर? It is only one side you're choking. And maybe that you're using your own head as... Yeah. No, it is a small gap is there. I'm not holding here. Okay. I'm not holding. I'm holding... Here. Okay, he's using his head. Head. And... okay. Oh. Maybe if you are lucky enough, you can try to poke him in the eye or something, but it doesn't work. No, I'll just take it up. Yes. If even he protects, I'm prepared. Yeah. Yes, prepared. Even he is prepared. Agar wo apna sar chupa lete hain, to kuch nahi ho sakta. There are only 3 ways to escape a rare naked choke. Step number 1 or rule number 1 is don't fight. If you don't fight, you can escape a rare naked choke. And step number 2 is never let anybody behind you. If anyway he is behind you, what you have to do is always keep your hand close to your face, because most of the time a choke is not applied in standing position, right? Khade khade koi nahi karta, kyunki khade khade anyway if you are fighting, it is very difficult to get behind me and try to apply a lock, right? Wo bahut mushkil hai. Lekin aisa situation kab aati hai jab hum zameen pe wrestling kar rahe hain, to kabhi kabhi piche aap situation aa sakta hai. Okay, right. अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने हाथ दोनों नीचे लगा रखे. ट्राई, अगर आपके पीछे कोई है, आपको अपने गर्दन हमेशा बचानी रही. कीप योर हैंड्स इनसाइड समवेयर इनसाइड. ओके 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 ओके. एंड मेरी अपने हाथ हमेशा गर्दन के पास रखिए. अगर कोई आ ही गया पीछे तो मतलब हेड भी प्रोटेक्ट रहेगा. और लेकिन एज सच कोई थियरी चलती नहीं है. देयर इज नो
escape for a real correct joke. If a technique actually sinks in properly, अगर सही से लगा दिया गया है तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन before that, if you can sense the hand coming, maybe you can put your hand above this one. हाँ, आपको थोड़े बहुत मुक्के जरूर लगेंगे, लेकिन that is why I said, rule number one, लड़ो ही मत, don't fight. Okay, so this is good. And if you are late for that, okay, get it before the other hand comes up. इस वाले step से पहले, सर, उस वाले step से पहले, हाँ. अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, then again it cannot be applied. I can use elbow or I can maybe throw out. ऐसे नहीं होता. Sorry, गलत हो गया. हाँ. And if you are late for that also, maybe दूसरा हाथ भी लग गया है, सर. अगर दूसरा हाथ भी लग गया है, go for this hand. तो ये हाथ ऊपर उठाइए, नहीं होगा, क्योंकि मेरा दोनों हाथ इधर. एंड नाउ आई कैन मेबी कुछ कर सकते हैं शायद. एंड अगर उसके लिए भी अगर आप लेट हो, लेट लतीफ इंसान, क्यों लड़ रहे हो? यस, आई एम लेट फॉर दिस एंड आई एम ऑल्सो लेट फॉर दिस, गो बैक. मेबी आई कैन फाइंड इट. और हमेशा फिंगर्स, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स में मेबी इट इज नॉट अलाउड, बट इन फाइटिंग मेबी इफ इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज अलाउड, राइट? There is no rules for fighting. कोई भी फिंगर पकड़िए, break the finger, take it out, right? अगर फिंगर मिल गई तो बहुत अच्छा, usually मिलती नहीं. So इतना late. Should be done in second. Yes. Fraction of second. Very fast you have to do. अगर उंगली मिल गई, आंख मिल गई, कुछ भी, right? Sir? Maybe कभी कभी इससे अच्छा, कभी कभी कुछ को कुछ मिल जाता है, see? Specs finger. And now I can poke him in the eye. Maybe. Or down, you don't go for a. बट एज आई सेड, ये स्टैंडिंग में कभी नहीं होता. इफ आई एम रेसलिंग, अगर हम दोनों नीचे हैं और हम रेसलिंग कर रहे हैं, तो आपको ये और ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. अभी तो हम ग्राउंड पे है ना, इसलिए आसान है, आंख ये या कुछ भी, लेकिन एक्चुअली होता नहीं. पकड़ते ही वो आपको नीचे गिराएगा और आप खत्म कर लेंगे. तो द ओनली वे टू एस्केप दिस इज Have a very fast mind. एकदम से आपको पता चलना चाहिए आपके पीछे कौन है, क्या करना है, एकदम मतलब प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, स्पीड, सब कुछ लेके घुमा करो. सो नाउ यू नो द टेक्निक एंड हाउ टू एस्केप फ्रॉम इट. मे बी हाउ टू एस्केप फ्रॉम इट, मे बी इट इज करेक्ट, मे बी इट इज नॉट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड सिंस यू नो दिस, जाइए घर वालों पर प्रैक्टिस करिए. नहीं करना नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्यार से बोलो. रेडी, 3, 2, 1. नहीं नहीं करना. नहीं, वो एरोप्लेन वाली कौन सी पिक्चर, धमान पिक्चर में बोलता ना, वो बटन दबाया, नहीं दबाना था. वी ऑल्सो हैव कराटे टीवी ऑनलाइन क्लास. इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. And we have also started something called as Namo Shakti. It is a movement in which we are going to teach self-defense to girls and ladies for free. Muft. Yeah, it is for the free. It is a movement, एक मुहिम चलाया हमने. कुछ लेडीज उसमें आ जाए, लिंक हमने, लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में जो भी जानना है ज्वाइन करना, कॉन्ट्रीब्यूट. वेबसाइट में जाइए, देयर इज अ बटन कॉल्ड आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, क्लिक दैट, फिल अप योर फॉर्म, रीच दे, ओके, वी विल कम बैक टू यू. हम उस करिकुलम में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस, हाउ टू एस्केप फ्रॉम द सच काइंड ऑफ डेंजरस सिचुएशन, मेडिटेशन टू एक्सेलरेट योर confidence level, that is it. Yeah. Okay. हाँ, ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो हम गरीबों को लाइक भी दे देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना यार.